आप विद द बैरियर्स और विदाउट द बैरियर्स आपकी लाइफ में आप उसको कर रहे हैं। लाइफ में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं ना, चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, हम करना भी चाह रहे होते हैं, राइट? कोई काम, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई स्पोर्ट्स, कोई भी आपका शौक, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे आर्ट्स का बहुत शौक है, ठीक है, आई जस्ट लव आर्ट्स। मैं बचपने में या अपनी स्कूल लाइफ में सोचती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी, मेरी कोई अपनी गैलरी होगी, इस हद तक शौक है कि अपनी गैलरी हो, मैं स्केचेस बनाऊँ, फिर मैं उसको एक कन्वर्ट करूँ अपने बिजनेस में, ठीक है। बट अगेन लाइफ में बहुत सारे बैरियर्स हैं, चैलेंजेस हैं, टू डेट मैं भी वो काम नहीं कर पाई, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो कि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर सकती हूँ, राइट, आई लव ह्यूमन रिसोर्सेज, आई लव टू टॉक टू पीपल, आई लव टू कनेक्ट विद पीपल, आई वॉन्ट टू सपोर्ट पीपल इन देयर करियर चैलेंजेस, ठीक है। तो वो मैंने अपना करियर लाइन चूज कर लिया, ठीक है, और मैंने इंजॉय भी किया। ऐसा नहीं कि वो मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज किया, अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने, या मुझे रिग्रेट्स नहीं है कि मैं अभी आर्टिस्ट नहीं बनी हूँ, ठीक है। रिग्रेट्स, विदाउट एनी रिग्रेट्स, मैंने अपने एक शौक को परसू किया है, उसको मैं कैरी ऑन कर रही हूँ, उसमें काम करती हूँ, उसमें ग्रो हो रही हूँ, उसमें मेरी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, एंड देन लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड देन लोगों के फीडबैक आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स उनकी तरफ से इंकरेजमेंट है, एंड फॉर दैट आई एम हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये नहीं सोच रही कि वो भी आर्टिस्ट वाला ख्वाब मेरा पीछे है अभी, ठीक है, बाय द टाइम एक सर्टेन लेवल पर आ जाऊंगी, ठीक है, एंड देन यू नेवर नो कि मैं वो आर्टिस्ट का अपना जो पैशन है या मेरा जो फेवरेट शौक है मैं उसको आगे अपना कैरी फॉरवर्ड करूँ, राइट। तो ये एक आई कैन टेल यू फ्रॉम माई लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक ये वे है अपने आप को, आपने जान तो लिया आपके दो तीन शौक हैं, कौन सा आप पहले रख सकते हैं उसको आगे, तो आप रन करें उसमें, आप कैरी फॉरवर्ड हों, ग्रो करें, अंडरस्टैंड करें, इम्प्रूव करें, बाय द टाइम आपकी गलतियां भी होंगी उसी आपके काम में, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, राइट। तो फिर आप